आपने कभी न कभी पुनर्जन्म की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, लेकिन उन पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन किसी के मानने न मानने से कुछ बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी ही एक पुनर्जन्म की कहानी राजस्थान के राजसमंद से आई है, जहाँ एक 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इस 4 साल की मासूम बच्ची ने अपने पिछले जन्म और मृत्यु की पूरी घटना बयान की है। इतना ही नहीं, पिछले जन्म में मां रही महिला का फोटो देखकर ये बच्ची रोने लगी। इस बच्ची का बयान सुनकर इसके माँ बाप से लेकर रिश्तेदार और गांव वालों तक सब हैरान हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल रियल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घटना नाथद्वारा से सटे गांव परावल की है, जहां रतन सिंह चूड़ावत की 5 बेटियां हैं। वह एक होटल में काम करते हैं। पिछले 1 साल से उनकी 4 साल की सबसे छोटी बेटी किंजल ने अपने भाई से मिलने की जिद कर रही थी। पहले तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 2 महीने पहले जब एक बार माँ दुर्गा ने किंजल से अपने पापा को बुलाने को कहा, तो किंजल ने कहा, पापा तो पिपलांत्री गांव में हैं। पिपलांत्री वही गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। जिस घर में किंजल का जन्म हुआ है वो पिपलांत्री गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर है। किंजल ने अपने घर वालों को बताया कि वो पिछले जन्म में वही उषा थी जिसकी जलने से मौत हो गई थी। किंजल ने बताया कि आग से जलने पर उसे एम्बुलेंस से ले जाया गया था। उसे बताया कि मेरे पापा ट्रक चलाते थे। किंजल कई दिनों तक अपने भाई और माँ से मिलने की जिद पर अड़ी थी। वहीं बच्ची के माता पिता को उसकी यह हालत देखकर लगता था कि उसे कोई बीमारी है। इसी आशंका में उनके माता पिता ने उसे कई मंदिर और अस्पतालों में दिखाया, लेकिन सब ने एक ही जवाब दिया और वो था कि बच्ची नॉर्मल है। किंजल के घर वालों ने जब इस मामले में खोजबीन की तो 30 किलोमीटर दूर उसके बताए एक गांव में 32 वर्षीय महिला की मौत और पारिवारिक स्थिति वैसे ही सामने आई जैसे किंजल ने बताई थी। किंजल के परिवार वालों ने बताया कि जब किंजल को उस गांव में लेकर गए तो किंजल ने सभी गांव वालों और अपने रिश्तेदारों के साथ खूब आराम से बात की। दोस्तों, यह है एक सत्य घटना है और इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हर हर महादेव।